नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सदाबहार एक ऐसा फूल है जो साल के 12 महीने खिलता है। इस फूल को नैनतारा और बारहमासी के नाम से भी जाना जाता है। सदाबहार फूल औषधीय गुणों से भरा हुआ पौधा है। यह झाड़ूनुमा पौधा है जिसके पत्ते अंडाकार आकार में होते हैं। इसके फूल की पंखुड़ियाँ 5 होती हैं। सदाबहार फूल के फायदे, घरेलू नुस्खे और उपाय काफ़ी कारगर माने गए हैं। यह फूल सफ़ेद गुलाबी रंगों में उभरता है। इस फूल को मंदिरों में भगवान की पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यह देखने में इतना ज़्यादा सुंदर होता है कि मन मोह लेता ही है। आइए इसके औषधीय लाभ जानते हैं। बात करेंगे दोस्तों हम डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में बहुत ही फायदेमंद है। दक्षिण अफ्रीका में सदाबहार के पौधे का इस्तेमाल डायबिटीज़ के इलाज में किया जाता है। सदाबहार की जड़ें ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकती हैं। इसकी पत्तियों के रस का प्रयोग डंक के उपचार में किया जाता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए यह एंटी डायबिटिक की तरह काम करता है। यह खून में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। हर्बल जानकारों की माने तो डायबिटीज़ के मरीजों को इसके सफ़ेद फूलों का सुबह खाली पेट खाना चाहिए। इससे डायबिटीज़ दूर हो जाती है। इसके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लें और प्रतिदिन ब्रेकफास्ट करने के बाद आधे ग्राम चूर्ण को पानी के साथ लें। इसके अलावा इसके सेवन भी किया जा सकता है। रोजाना 5 ताजा पत्तियों को पानी के साथ पीसकर बारीक कपड़े से छानकर इसका रस निकालकर खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। आधे कप गर्म पानी में सदाबहार के ताजे गुलाबी फूलों को 5 मिनट तक भिगोकर रख दें। फिर फूलों को पानी से निकालकर फेंक दें और सुबह खाली पेट इस पानी को पिएं। यह नुस्खा 8 से 10 दिन तक लगातार अपनाते रहे, उसके बाद आप अपनी शुगर की जांच करवाएं। अगर ब्लड शुगर लेवल में कमी आ गई है तो 1 हफ्ते के बाद इस उपाय को दोबारा से आजमाना चाहिए। इससे डायबिटीज़ की बीमारी पूरी तरह से ठीक होने लगती है। सदाबहार के 3-4 कोमल पत्तों को चबा चबा कर उसका रस चूसने से शुगर की बीमारी से निजात मिलती है। सदाबहार के 4 पत्तों को साफ पानी से धोकर सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाना चाहिए। फिर ऊपर से 2 घूंट पानी पी लें। इससे डायबिटीज़ की बीमारी में लाभ होता है। इस उपाय को कम से कम 3 महीने तक आजमाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, जिससे कि दोस्तों हम आपके लिए और भी ऐसे ही अचूक वीडियो लेकर आते रहें जिससे कि आपको फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए फिर लाता हूँ अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।